हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट इतिहास जून 2011 का पेपर देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडारण का साक्ष्य पाया गया है? तो ये जल भंडारण का साक्ष्य जो है वो हमें मिलता है लोथल से। अगला है, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? तो आर्यों की 5 जनजातियों से। अगला है, निम्न में से कौन नवपाषाण युग को इंगित करता है? तो नवपाषाण काल पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा चिरांद, लोथल और ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। आगे है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो आंसर हो जाएगा बिमकद फिसिस। निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? तो आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को उद्योतित करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रांत, भुक्ति मतलब प्रांत। तारीख फिरोजशाही का लेखक कौन है? तो शम्स ए सिराज अफीफ। अगला है, अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फल वायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग एंड सेइंग का अभिलेख है? तो यहाँ आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया, डी ऑप्शन सही है। अगला है, सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? तो विलायत का अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र। राज तिलक के पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था? तो राज्य के बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज। अगला है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो आंसर हो जाएगा यहां पर सम्राट शाहजहां। अगला है, अमीन के पद का सृजन किसने किया था? तो अमीन का पद जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? तो माहे पुर्तगालियों का ठिकाना नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? तो आंसर हो जाएगा मीर कासिम। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रलाल सरकार, डी ऑप्शन। कामा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बजबज। अगला है, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1950। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मेजनी। अभी कथन और कारण दिया है, निषाद जो मूलतः आदिवासी थे बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए अछूत थे, यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माता को मनोवृत्ति से साम्य रखता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन अभी कथन और कारण। उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात का साक्ष्य मौजूद है। तो दोनों ही बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी कथन और कारण का है। ईसा काल के प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों के अनेक राज्यों की स्थापना की। पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। तो ए सही है और यहाँ पर आर जो है वो यहाँ पर गलत हो जाता है, तो बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, मोरलैंड के अनुसार भारत का निर्यात का भाग बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था।
आगे बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे, तो ए सही है और यहाँ पर जो है किंतु आर जो है वो गलत हो जाता है। आगे देखते हैं, निजाम शाही का मिलान करेंगे अहमदाबाद, कुतुब शाही का मिलान करेंगे गोलकुंडा, इमाद शाही का मिलान करेंगे बरार, और आदिल शाही बीजापुर। तो जो सही कूट बनेगा वो है ए ऑप्शन। अगला यात्री दिए गए हैं विजयनगर के शासक, तो निकोले कोंटी वो आए थे देवराय प्रथम के समय में। डोमिंगो पेइस जो हैं वो आए थे कृष्ण देवराय प्रथम के। फ्रोनो नूंज जो है वो आएंगे अच्युत देवराय। और अब्दुल रज्जाक आए थे कृष्ण देवराय द्वितीय के समय में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिकथन और कारण है, कृषि के वाणिज्यकरण ने कृषक वर्ग में एक और विभेद कर दिया, कृषि के वाणिज्यवाद से कृषि वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर जो है ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग थलग तथा स्थानीय बनी रही। दूसरा है, भारतीय कृषक समाज की संरचना जटिल थी। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। आगे है, अभिकथन और कारण, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया। इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया। तो यहाँ पर जो है ए सही होगा और आर जो है वो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ऋग्वेद का जो समय है वो सबसे पहले है, फिर उसके बाद त्रिपिटक के बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बाद इंडिका। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर एक कूट दिए हैं और सबसे पहले हैं यहाँ पर भट्टी, फिर उसके बाद भारवी, फिर श्रीहर्ष और सबसे लास्ट में है माघ। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हैं धर्मराज, धर्मराज के बाद आएंगे वत्सराज, वत्सराज के बाद आएंगे मिहिरभोज और फिर है महेंद्रपाल। तो इस हिसाब से यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, फिर से कूट दिया है और उसका सही मिलान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे ताजमहल, सबसे पहले ताजमहल नहीं, यहाँ पर जो है हुमायूं का मकबरा सबसे पहले आएगा, फिर आएगा एतमाद-उल-दौला का मकबरा, फिर उसके बाद आसफ खां का मकबरा और सबसे लास्ट में ही आएंगे ताजमहल। तो इस हिसाब से यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ए कूट। अगला फिर से कूट दिया गया है, लड़ाइयों से संबंधित है और इसका सही मिलान करना है। तो सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई आएगी, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद फिर खानवा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध और फिर पानीपत की तृतीय लड़ाई आएगी जो कि 1861 में हुई थी। तो यहाँ पर जो है ए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से कूट दिया है और इनको देखना है। सबसे पहले है खजाइनुल फुतु, फिर उसके बाद है वाकियाते मुश्ताकी, फिर है तबाकाते अकबरी और कासीरत ए जहांगीरी। तो सेम डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कलकत्ता मदरसा, उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद आएगा बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज और फिर आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है।
तो यहाँ पे जो पब्लिकेशन है उसके आधार पर बताना है। तो नील दर्पण सबसे पहले हैं, नील दर्पण के बाद आनंद मठ, आनंद मठ के बाद है गोदान, और फिर लास्ट में है गीतांजलि। अगला है निम्नलिखित कृषि कृषकीय आंदोलन का सही कालक्रम क्या है। सबसे पहले पवना, पवना सबसे पहले आएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। फिर आएगा चंपारण, फिर उसके बाद एका, फिर मोपला। आगे दिया है सूचियां मिलान करना है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता जो है वो हो जाएगी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रावी, घग्गर, कालीबंगा, सतलज, रोपड़। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, सूचियाँ दी गई हैं और उसका मिलान करना है। तो कार्नेलियन बीड जो हैं वो हैं हड़प्पा से संबंधित, ताम्र राजस्थान से, अरिका मेडू बंदरगाह है, ताम्र लिप्ति जो है बंगाल। तो यहाँ पर जो कूट बन के आएगा वो है डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, सूचियां दी गई हैं उसका मिलान करना है। तो गणतंत्र, गणतंत्र का हो जाएगा गंगे मैदान, उत्तरी कालिश पालिश वियर, इसका हो जाएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, गिरनार अभिलेख हो जाएगा रुद्रदामन का, और शाक्य हो जाएगा कपिलवस्तु से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, अबुल फजल, अबुल फजल का हो जाएगा अकबरनामा, जियाउद्दीन बरनी का हो जाएगा तारीख़ फिरोजशाही, अब्दुल हमीद लाहौरी का हो जाएगा बादशाहनामा, बादशाहनामा, खफी खां का होगा मुंतखब उल लुबाक। तो जो कूट बनकर आएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है सम्राट दिए हैं और सूबा की संख्या। तो अकबर यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही सुमिलित नहीं है उसका होगा यहाँ पर जो डी ऑप्शन है 24, ये यहाँ पर सही सुमिलित नहीं है। बाकी अकबर 15, जहांगीर 15, शाहजहां 18, ये सारे सही हैं। अगला है अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं का उसके सही कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर उड़ीसा की विजय जो है वो यहाँ पर सही सुमिलित नहीं है। आगे है, अब यहाँ पर ऑथर हैं और उनकी कुछ पुस्तकें हैं। तो डेविड अर्नॉल्ड जो हैं द कांग्रेस इन तमिलनाडु, डेविल लुडेन एन एग्रियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, डेविड पेज इनकी है द प्री लुइड टू पार्टीशन, और सी ए बेली की है, सी ए बेली हो जाएंगे द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। तो यहाँ पर जो कूट बनकर आएगा वो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नारोजी, नारोजी को ड्रेन ऑफ बेल्ट, तिलक, तिलक का है स्वराज, गांधी का है हरिजन, नेहरू का है पंचशील। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है रूसो, रूसो का मिलान करेंगे जनरल विल, मार्क ब्लॉक का जो है वो है सामंतशाही, एफ एंजिल का मिलान करेंगे समाजवाद, और एम एन श्री निवास का सांस्कृतिकरण। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ पर पैराग्राफ दिया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है। और फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं, नियति के साथ भेंट किसे इंगित करता है। तो ये भारत की स्वतंत्रता। अगला है साम्यवादी नारा क्यों असफल रहा। तो ये भ्रांति पूर्ण रीति से विचलित था। तो अब जो पेपर आ रहे हैं अभी जो ट्रेंड है वो एक पैराग्राफ आता है जिसमें 5 क्वेश्चन आपको हल करने ही पड़ेंगे। तो उसमें जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ सिर्फ हिंट देता है कि इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, पैराग्राफ में आंसर नहीं मिलता। तो हमें
और कुछ आंसर मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में कोई भी आंसर नहीं होगा, कुछ आंसर होंगे लेकिन ज़्यादातर आंसर उससे संबंधित बाहर से होंगे, तो ये याद रखना है। भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप कैसे उभर कर सामने आया, तो इसका है प्रजातांत्रिक सरकार तथा नीति के विकास के माध्यम से, ए ऑप्शन। अगला, स्वतंत्रता स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ था, तो राज्यों के भाषा आधारित पुनर्गठन के द्वारा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।